सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बीती रात्रि सेना रोड स्थित करगुआ नहर के पास एक चार पहिया गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल युवक को सीएससी राट में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के सरसैणा माफ निवासी नवल किशोर खंगार ने बताया कि वह अपनी भाभी बिमला के साथ बाइक से चिकासी थाना क्षेत्र के टोला खंगारंग गांव में अपनी बहन सुनीता को देखने गए थे। दूसरी बाइक पर गांव के मुकेश के साथ उसकी पत्नी लक्ष्मी गई थी। बताया कि बहन को देखने के बाद रात करीब 10:30 बजे लौट रहे थे, तभी खिरिया मार्ग पर करगुआ नहर के पास राट की ओर से आ रही तेज रफ्तार चारपहिया गाड़ी ने मुकेश की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जब उसकी भाभी बिमला ने दोनों को सड़क किनारे खाई पर गिरता देखा तो उन्होंने बताया कि पीछे एक्सीडेंट हो गया है। जब भाई वापस लौटकर पहुंचा तो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएससी राट में भर्ती कराया, जहां उसे गंभीर हालत में झांसी रेफर कर दिया। मृतक के पति ने बताया कि उसकी बहन बीमार चल रही थी, जिसे देखने के लिए वह लोग गए थे। मृतक अपने पीछे दो पुत्री रागनी अतिची और पुत्र विकास छोड़ गई है। महिला की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। नवल किशोर, क्या घटना हो गई है? हम दीदी की तबीयत खराब थी, वहाँ देखने गए थे तो वहाँ से वापसी आए तो चार पहिया ने टक्कर मार दी, एक घायल हो गया एक ख़त्म हो गया। कौन घायल हो गया और कौन ख़त्म हो गया? लक्ष्मी ख़त्म हो गई, मुकेश घायल है। कौन है लक्ष्मी? आपकी पत्नी। कब की घटना है ये? रात 9:10-11 बजे। किस जगह की? ये जड़ा करके रोड पे। किस गांव? करगुआ के पास। करगुआ के पास। हाँ। क्या मौके पे ही मौत हो गई कि इलाज के दौरान? नहीं, मौके पे। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम कराएंगे। क्या चार पहिया वाहन ने टक्कर मारी? हाँ, चार पहिया। क्या वाहन की पहचान हो सकी? नहीं, पहचान तो भी अब कहा, सफेद कलर की थी। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।